ट्रैवल बहुत ज़्यादा अच्छी रही है, जैसा हम सोचते हैं सपना देखते हैं बिल्कुल वैसी ही जर्नी रही है, क्योंकि हर दिन हमारे पैजेंट के टाइम हर दिन बहुत सारी चीज़ें होती थी, एवरी डे वी यूज्ड टू हैव सो मेनी एक्टिविटीज़, कुछ नया सीखते थे एंड इतनी सारी लड़कियाँ थी जिनसे हमने क्या कुछ नहीं सीखा है, तो इस पूरी जर्नी में हमने बहुत कुछ सीखा और एंड में जाकर के जब हमें क्राउन मिलता है तो एक्चुअली लगता है कि वी डिड सो मच, सो इट्स बीन अ ब्यूटीफुल जर्नी. शॉक तो नहीं था, बिकॉज आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट व्हेन आई वॉज इन टॉप सिक्स, तो मेरा क्वेश्चन आंसर राउंड भी बहुत बढ़िया हुआ था, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वॉज वेरी हैप्पी व्हेन आई वॉज इन टॉप सिक्स, क्योंकि इवन टू गेट इन टॉप सिक्स इट टेक्स अ लॉट टू इवन बी देयर, सो आई जस्ट हैप्पी कि आई हैव मेड इट सो फार, यू नो, सो आई वॉज मैं बहुत खुश थी. मैंने आपका क्यू एन ए भी बहुत बढ़िया गया, तो उसके बाद तो आई वॉज हैप्पी कि यार कब रिजल्ट अनाउंस हो जाता कि मैं जाके क्राउन ले लूँ. तो याद है ग्रैंड फिनाले से जस्ट पहले मैं ऐसे बोल रही थी यार पता नहीं टॉप 12 में भी होगा कि नहीं. मैंने इसको बोला लिसन डोंट वरी, हम लोग टॉप 12 में हैं ही, लेकिन टॉप 12 में बढ़िया करना पड़ेगा ताकि आगे जा सके. फिर दोनों भी धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता गया और हमेशा हम एक दूसरे के बाजू में ही रहे. सो टॉप 12 में एवरी सिंगल कंटेस्टेंट वॉज आस्क्ड अ डिफरेंट क्वेश्चन, वी हैड टू पिक अ चिट फ्रॉम अ बॉल, एंड फिर जो भी जजेस का नाम आए तो वो जज हमें कोई भी क्वेश्चन पूछने वाला था. सो आई हैड हुमा कुरैशी टू आस्क मी अ क्वेश्चन. So my question was that what according to you is the biggest challenge which women get to face all across the world? So it thoda sa main, like I took a moment to think over it and to maine answer kaha, maine generalized answer nahi kaha, maine just kaha ki lack of acceptance is something according to me which women get to face in whichever field they choose to go ahead in. So that is something that we really need to work upon as a society. We need to work upon being accepting and empowering towards each and every human being around us. So I got a lot of applause for that. So I was very confident that chalo top 6 mein ho jayega. Mujhse question Sunil Chhetri ji ne pucha tha. And question उन्होंने ये पूछा था, हाँ फुटबॉल, उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा था कि वो तीन चीज़ें क्या होती है एक इंसान में ताकि वो अपने किसी भी करियर में अच्छा कर सके, जो सक्सेसफुल हो सके. थ्री क्वालिटीज़ एवरी पर्सन शुड हैव. सो मैंने आंसर ये दिया था कि पहली चीज़ जो होनी चाहिए वो है पैशन, जुनून, जिस चीज़ के लिए आप जा रहे हैं आगे. आपके अंदर जुनून नहीं होगा तो फिर आप चाहे किसी भी फील्ड में जाए आप आगे नहीं बढ़ सकते, वो अंदर से ड्राइव होना चाहिए. दूसरा मैंने कहा खुशी, विच इज़ हैप्पीनेस. सो अगर आप खुश नहीं हैं, जो काम आप करें आप उससे खुश नहीं हैं, तो चाहे आप उस काम को कितना भी अच्छा करें आपसे वो काम उतने अच्छे तरीके से होगा नहीं. और तीसरा था हार्ड वर्क, क्योंकि किसी भी चीज़ में अच्छा करने के लिए आपको मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. आप पेजेंट वॉज फॉर 40 days और 40 दिन हम लोग बॉम्बे में रहे हैं एंड वी गॉट टू लिव विद सो मेनी डिफरेंट कंटेस्टेंट्स और हमारा सब ट्रेनिंग वहाँ पे हुआ 40 दिनों में हुआ. सो आई हैव गॉट अ स्वीट टूथ, आई कैन नॉट लिव विदाउट स्वीट्स. So after every meal, I love to eat something that is sweet so that I feel complete that okay, I've had a meal. So sweets, my favorite, pastries, chocolates, I love it. Favorite though definitely would be chocolates and cheesecakes. Yeah. My mother, my sister, my brother and my friends were also there. My mother was also there. हाँ तो सब आए थे भी एंड सीधे जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ मेरे नाम का, मैं पहली सबसे पहले उन्हें ही देखा एंड वो सब बिल्कुल खड़े हो गए अच्छे से, बिल्कुल खुश पिक्चर्स ले रहे हैं, दूर से वेव कर रहे हैं. तो बहुत अच्छा लगता है जब आपके पेरेंट्स ऐसे ऑडियंस में होते हैं, बहुत अच्छी फीलिंग होती है. सो जस्ट 2 days बिफोर आवर फिनाले आई गॉट टू नो दैट माई पेरेंट्स वोंट बी एबल टू कम बिकॉज देयर वाज सम इमरजेंसी, बट आई वॉज इन ओके विद इट. मुझे बहुत बुरा वैसे लग रहा था कि यार होने चाहिए, तो मैं फिनाले के टाइम वाइल आई वॉज वॉकिंग ऑन स्टेज मुझे तभी भी नहीं पता था दे वॉज सिटिंग इन द ऑडियंस. तो मैं इसे चल के मैं एवरी टाइम आई यूज टू सी अराउंड कि यार दिख रहे हैं कि नहीं. तो फिर बाद में व्हेन आई गॉट क्राउन दैट टाइम आई सॉ देम सिटिंग राइट देयर इन फ्रंट ऑफ मी, द टीम, माई ब्रदर, माई मॉम, डैड, दे हैड कम, वेरी हैप्पी, लाइक वी ऑल वर टियरी. क्योंकि मेरे पिता आर्मी बैकग्राउंड से, तो मैं सिर्फ पटना में नहीं रही, मैं ऑल ओवर इंडिया रही हूँ, तो मैं तो हर जगह घूमती रही हूँ, तो इसीलिए से प्रॉपर आती हूँ. हाँ पूरे हिंदुस्तान का दर्शन. लोकेशन क्या है आपकी, अगर आप कहीं जहाँ इंडिया में बार बार जाना पसंद करती हैं? जाना जहाँ पसंद करूँगी मैं कहूँगी देहरादून. देहरादून में मैंने 2 साल पढ़ाई की है
तो मेरी फेवरेट जगह रही है क्योंकि बहुत सुंदर है। तो हमारी ट्रेनिंग अभी शुरू होगी कुछ दिन में, तो अच्छे से ट्रेनिंग होगी मेरे लगता है। तो प्रॉपर हमारी हर चीज़ में ट्रेनिंग होगी, बोलने में, चलने में, फिर बात करने में, फिटनेस, डाइट एंड और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो ट्रेनिंग हर एक चीज़ में होगी बिकॉज हमें बिल्कुल परफेक्टली जाना होता है इंडिया को रिप्रेजेंट करने, तो बहुत बड़ी बात है। हाँ तो अभी तो काफ़ी और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मैं कहूँगी ऑल थ्री ऑफ अस वी नीड टू गिव आवर 200% एवरी सिंगल डे। सो आई जस्ट होप दैट वी गेट 3 इंटरनेशनल क्राउन्स दिस ईयर फ्रॉम ईच वन ऑफ अस। सो माय फेवरेट एक्टर इज रणवीर सिंह एंड विकी कौशल, एंड फेवरेट एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा। Okay, Vicky Kaushal, I think. Yeah, you were there for that. हाँ हाँ क्यों नहीं, मैंने हमारा एक सेगमेंट था जहाँ पे वी हैड टू इंटरेक्ट विद हिम, सो ही गेव अस चॉकलेट जो टॉप सिक्स थे, तो विकी कौशल के साथ हमने डांस भी किया, थोड़ा सा भांगड़ा किया, वाओ मेरा तो दिल भर गया था। मेरे फेवरेट एक्टर ऋतिक रोशन है हमेशा, बचपन से हमेशा, वो मैं उन्हें लकी चार्म मानती हूँ। किसी एग्जाम से पहले भी मैं हमेशा उनकी मूवी देखते जाती थी सुबह सुबह। हाँ मेरी मम्मा से पूछा कि क्लास सेकंड थर्ड में भी फोर्थ फिफ्थ में भी मैं ऐसे सुबह सुबह 3-4 o'clock उठ जाऊँगी उनकी मूवी देखने, कहो ना प्यारे, और फिर मैं एग्जाम देने जाती थी। कहो ना प्यारे उस टाइम बहुत लकी था, फिर ZNMD बहुत सारी मूवीज ऋतिक रोशन हैज बीन लकी चार्म ऐसे वॉलपेपर, जब कभी अच्छा चलो लेट मी जस्ट थिंक ऑफ हिज नेम एंड देन आई गो।